मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपुल इंग्लिश क्लासेस। पिछली क्लास में हम पढ़ के आए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए हुए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बिल्कुल इजीली समझ लेना है। रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझेंगे, केवल दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ईच अदर, दूसरा होता है हमारे पास वन अनदर। ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इनमें आपको अंतर समझ लेना है कि क्या मतलब कौन सा कहां पर यूज होता है। ईच अदर, वन अनदर, इन दोनों को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर, यदि आप इसको हिंदी में जाने तो हिंदी में इसका मतलब होता है एक दूसरे से। तो एक दूसरे से के लिए ये वाला भी यूज किया जाता है, एक दूसरे से के लिए ये वाला भी यूज किया जाता है। कहाँ पर कौन सा लगेगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। आज की क्लास में आपको बिल्कुल क्लियरली मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होता है और कहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होता है। केवल डिपेंड करता है नंबर के ऊपर कि अगर बात चलती केवल दो कैंडिडेट्स की बात चलती है, ओनली टू पर्संस, केवल दो व्यक्तियों के बीच यदि बात चलती है तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ईच अदर। और जब बात चलती है मोर देन टू पर्संस, कि जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात चलती है मोर देन टू पर्संस, तब वहाँ पर यूज किया जाता है वन अनदर। बस ये इतना सिंपली आपको समझ लेना है, ये आपका कंसेप्ट है। अब देखिए, कई बार हमारा बिल्कुल इजीली समझ लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कॉमन वर्ब आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि रवि लाइक्स सीमा, सीमा लाइक्स रवि। बिल्कुल देखिए, बड़े आसानी से देखिए, बिल्कुल कूल माइंड होकर के देखिएगा। रवि लाइक्स सीमा, सीमा लाइक्स रवि। तो यहाँ पर कॉमन वर्ब हमारे पास लाइक है, रवि सीमा को लाइक करता है, सीमा रवि को लाइक करती है, यानी वर्ब बिल्कुल दोनों के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पर हम इनको कंबाइन करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मैं इन सेंटेंस को कंबाइन करके बोल सकता हूँ कि रवि एंड सीमा, रवि एंड सीमा लाइक ईच अदर, रवि और सीमा एक दूसरे को लाइक करते हैं, रवि और सीमा एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, कि ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया गया है। ये यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये ईच अदर मैंने आपको बताया था कि देखिए कि जब टू पर्संस यानी केवल दो व्यक्तियों के बीच बात चलती है तो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है और दो व्यक्ति देखिए यहाँ पर रवि और सीमा है, केवल दो के बीच की बात है। रवि एंड सीमा लाइक ईच अदर, कि रवि और सीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हरी एंड नैना हेट ईच अदर,
एक और एग्जांपल देखिएगा आप, हरी एंड नैना हेट ईच अदर, हरी और नैना एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो की बात चल रही है, एक हरी है और एक नैना है। क्लियर कंसेप्ट आपकी समझ आना चाहिए। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया गया है और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा दो के लिए यूज होता है, ईच अदर। और यदि हमारे पास में कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसा आ जाता है, सॉरी यदि हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देते हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे मैंने कहा इंडियंस लव वन, इंडियंस लव वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल में इंडियंस लव वन अनदर, इंडियंस की संख्या जो है वो दो से ज़्यादा है, तो मोर देन टू जहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर वन अनदर यूज किया जाएगा। ठीक है, इंडियंस लव वन अनदर, भारतीय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस में कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो मोर देन टू इन काउंटिंग, तो काउंटिंग में दो से ज़्यादा जब भी आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा वन अनदर यूज किया जाता है, वन अनदर। ये आपका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसान बात है कि एक दूसरे से के लिए हम ईच अदर कहाँ पर लगाते हैं, वन अनदर कहाँ पर लगाते हैं। ईच अदर जब केवल दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, और जब दो से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वन अनदर होता है। दिस इज द क्लियर कंसेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।